मेरे ख्याल में पीएस स्टेट में मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि इसके राइट आंसर पर पहुंचने के लिए इतनों कैंडिडेट्स ने शायद और टीचर्स ने यूट्यूबर्स ने जिनसे भी आपने जो शिक्षा ली है उन्होंने कोशिश की है, और राइट आंसर के लिए सारा पंजाब मिलके एक डिसीजन हम ले नहीं पा रहे। दैट इज वाई इस्ट को बेस्ट क्वेश्चन का अवार्ड दे दिया जाना चाहिए अगर ये क्वेश्चन ठीक निकलता है। इस वीडियो के लास्ट तक आप ये कंक्लूजन कर पाओगे कि ये क्वेश्चन ठीक है या हम लोग ठीक हैं या इसमें स्पेलिंग एरर है, जहां ये जो बाय चांस बना हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी जो जो कंक्लूजन है इसका लास्ट में आपको मिल जाएगा। हाँ, एक खुशी की बात ये है कि कुछ जो कैंडिडेट्स या लर्नर हैं पीएस टेट के, वो देखिए कितने कैंडिडेट हैं, वो इसमें थिंकिंग लगा रहे हैं, जो थिंकिंग लगा रहे हैं, थिंकिंग लगाने के बाद बेशक वो राइट पर पहुंचे रॉन्ग पर पहुंचे ये बात की बात है, लेकिन वो थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं, के सोच रहे हैं कि ये राइट है, ये राइट है, क्यों राइट है। जब क्यों राइट है आप सोचते हो नेचुरली, तो आप रिस्पांस बेशक ढूंढ पाओ ना पाओ, लेकिन आपकी थिंकिंग रीजनिंग जरूर डेवलप हो रही है। उन स्टूडेंट्स को मुबारक, उन कैंडिडेट्स को मुबारक जिन्होंने राइट आंसर ढूंढने के लिए ही बेशक किया हो, कुछ तो कुछ ने तो सोचा ही नहीं के क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है। जिन्होंने सोचा, जिन्होंने डिस्कस किया, उनको बहुत बहुत मुबारक। उनमें से एक कैंडिडेट है जिन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया, हो सकता है और उन्होंने भी सोचा हो, जिन्होंने सोचा है उनके सभी को मेरी तरफ से मुबारक। जो रूबी सिंह है इनका स्पेशल थैंक्स, बड़ी खुशी की बात है। इन्होंने कहा है इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने एक वीडियो निकाला था, 7 क्वेश्चन उसमें दिए थे, अपना पर्सपेक्टिव मैंने दिया था, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जब जैसे मैं एनालिसिस करता हूं आपके सामने रख देता हूं, जैसे मैं क्लास में करता हूं ऐसे ही यहां कर रहा हूं, ठीक। तो खुशी की बात है इन्होंने जो आंसर दिया है उसका जो रिएक्ट किया है कि स्टर्नबर्ग ने सिंथेटिक टर्म यूज नहीं की, इस करके सी आंसर रॉन्ग है सर, मैं सी आंसर ते पहुंचा सी एक अप्रोच दे जरिए, जे अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग सानू नहीं मिलता कांटा लगा के, तो असि जनरली सोचते हाँ ते फिर असि किथे पहुंचते हैं, ठीक। यू शुड थिंक अगेन, रूबी सिंह जी वेरी वेरी थैंक्स। ये जो टर्म है ना थिंक अगेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग में, बड़ी इंपॉर्टेंट, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही टीच करना, और आपका टेट क्लियर हो ना हो मुझे नहीं पता, आप अच्छे टीचर बनने के काबिल हो ये मैं कह देता हूं, ठीक। तो थिंक अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर मैं कोचिंग देता, अगर आप मेरे से ऑनलाइन कोचिंग लेते, तो मैं आप टू वे इंटरेक्शन होता, तो मैं ये टर्म मैक्सिमम यूज करता हूं, दोबारा सोचो इस पर, दोबारा सोचो, आपकी थिंकिंग इंप्रूव होगी, क्वेश्चन खुद ब खुद क्लियर। आप ये सोचते हो बड़े से बड़ा टेस्ट क्लियर हो जाता है अगर आप थिंक अगेन, कोई करवाने वाला है अगर आपको इन ये कह रहे हैं थिंक अगेन, ठीक है। जेकर सिंथेटिक की जगह पे एक्सपीरियंस होता तो ऑप्शन सी होना सी, ठीक है जी। इन्होंने सपोर्टिंग एविडेंस भी दिया है कि क्रिएटिव अब्लीक एक्सपीरियंस सेम है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, आगे दो रोते हुए चेहरे और एक ऐसे तीड़ियां पाइया वाला चेहरा और एक ऐसे करके वाला चेहरा, उसका मुझे मीनिंग नहीं पता, वो मीनिंग सर मुझे जरूर बताना। आप इथे स्टर्नबर्ग दे अकॉर्डिंग, आपां इथे स्टर्नबर्ग दे अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना, ठीक है। ये बात इनकी बता रही है कि ये ऑब्जेक्टिव टीचर है, सब्जेक्टिव टीचर नहीं है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो उनके अकॉर्डिंग भी चलना है, क्योंकि मैंने कह दिया था कि अगर स्टर्नबर्ग में से नहीं मिल रहा तो हम जनरल से ऐसे सोच सकते हैं। देखो एक बात ये है, ये वहां अप्रोच काम आ जाती है जब कोई क्वेश्चन वहां पर टाइम आपका कंज्यूम ज्यादा करवाता है, अभी मैंने पॉइंट भी लिखा है, तो तब आप जनरल अप्रोच से भी रीजनिंग से कैलकुलेट, रीजनिंग तो यूज होनी है, स्पेसिफिक को अगर स्पेसिफिक स्टर्नबर्ग की आपने थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी पढ़ी है तो फिर आपको रीजनिंग की नहीं जरूरत,
फिर आप मेमोरी लेवल पर ही उसका जो आंसर है ढूंढ लोगे। लेकिन अगर आपने पढ़ी नहीं है, आपको पता है कि आप सरफेस लेवल के लर्नर हो या डीप लर्नर हो, ये आपको पता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंडिया की सरफेस की है या डीप की है, कॉब का मॉडल है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, उसके लर्निंग स्टाइल्स हैं, सॉरी उसकी लर्निंग टाइप ऑफ बताई है उसमें, डीप लर्निंग एंड सरफेस लर्निंग। तो लेकिन हम नहीं कर पाए। अच्छा, ये जो बात है इसकी अगर बात करें हम, तो ये कह रहे हैं इनका ऑब्जेक्शन क्या है, यहां पर कलर एक कोई चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, सिंथेटिक ये शब्द नहीं यूज हुआ, ठीक। पर दूसरा, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं करूं को कौन राइट है कौन रोंग है। अगर सिंथेटिक है तो अगर पंजाबी में मेरे पास नहीं है शब्द, अगर वहां पर संश्लेषण लिखा है तो आप वो सिंथेसिस वाला मीनिंग फिर बन गया, ठीक है, पर आप कहते हो कि उसके अकॉर्डिंग चलना है, सर अपने मुताबिक नहीं चलना। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि वेदर द पेपर सेटर और एमसीक्यू सेटर आर सीरियस टू सच एक्सटेंट, जहां तक हम सीरियस अब हो गए हैं, क्या हमारे पास एमसीक्यू सेटर वो उतने सीरियस हैं? मेरे अनुसार, दूसरा कलर लेंगे, मेरे अनुसार 90% जो पेपर सेटर हैं या 80% सेटर हैं वो सीरियस नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन जब बनता है तो एक क्वेश्चन ऐसा बनना चाहिए कि वो अच्छे टीचर को पहचान सके, वो क्वेश्चन निकाल सके, सिलेक्ट कर सके। तो अगर एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसे बिना पढ़े वाला सरफेस लेवल वाला अच्छा टीचर जो नहीं बन सकता वो उसे सॉल्व कर जाता है, तो इट्स मींस एक नेशन को डुबोने वाला, एक अच्छे टीचिंग सिस्टम को डुबोने वाला क्वेश्चन बनाया गया था। अगर ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं तो वो एमसीक्यू सेटर गलत है। 10% बहुत अच्छे हैं, ठीक है, चलो इसमें एवरेज कर निकाल लेते हैं, आप 30% एवरेज निकालो और 60% इनको बेशक जो पुअर वाले कर लो, ठीक है। सीटेट की भी आप एग्जाम देख सकते हो, सीटेट में लेवल क्या आ रहा है क्वेश्चंस का, ये आप देख सकते हो, क्योंकि इनडेप्थ स्टडी करनी पड़ती है एक एमसीक्यू बनाने के लिए। अब जब 10% अच्छे एमसीक्यू सेटर हैं तो हमें कैसे पता चले कि ये एमसीक्यू सेटर ये बनाने वाला कितना सीरियस था या नहीं था, ठीक है। कई बार बाय चांस आपने थ्योरी पढ़ी होती है उसमें से क्वेश्चन बन जाता है, जब आपकी पर्सनल नॉलेज उस एरिया में ज्यादा है वहां से क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। अच्छा और डिफिकल्ट इस पर डिफरेंट जो डिस्कशन होगी। अच्छा, तो अब हम इतने क्या सीरियस हैं, इतने सीरियस अगर पेपर सेटर हैं तो नेचुरली है कि अच्छे क्वेश्चन है। फिर मेरे हिसाब से अगर सीरियस क्वेश्चन होते तो आपको आपसे 150 क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं थी, 30 क्वेश्चन पूछ के अच्छा टीचर निकाला जा सकता है। यहाँ क्या हो रहा है, 150 पूछने के बाद भी अच्छे टीचर की सिलेक्शन श्योर नहीं है कि अच्छे ही सिलेक्ट हुए। कि मैं ये कह रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन डालने वाले ये क्वेश्चन डालने वाला 10% में आ रहा है या 60% में आ रहा है या 30% वाले में आ रहा है, ये भी देखना है। यहाँ इनकी बात नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा लगा होगा मुझे पता है। इफ द आंसर इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग देन यू हैव टू थिंक इन जनरल, ठीक है, ये मैंने कहा था कि आपको सोचना होगा जनरल। जनरल मीन कि आपको रीजनिंग लगानी होगी, ठीक है, वो रीजनिंग से हमने ब्लूम और उसकी अप्रोच अपना के सिंथेसिस मीन के न्यू आइडिया, न्यू ऑब्जेक्ट को आप जोड़ रहे, ऐसे ही मैंने वहां भी बताया था, ठीक है। तो जहां पर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तभी आपको जनरल पर जल्दी शिफ्ट होकर राइट आंसर की, क्योंकि कई हमारा इतना पुअर सिस्टम है, इतना गंदा सिस्टम है एमसीक्यू का कि बाद में सरफेस लेवल के क्वेश्चन पड़े होते हैं, एक अच्छे थिंकर ने इस पर टाइम लगा दिया, बाद वाले पड़े हुए हैं। तो ये कुछ एक लॉजिक है जो उधर जाते हैं, लेकिन हमें तो राइट आंसर चाहिए, हम ढूंढेंगे। अच्छा, अगर हमें राइट आंसर नहीं पता तो क्या हम बेस्ट आंसर की तरफ हमें जाना चाहिए? इनमें से कुछ एक स्टूडेंट्स ज्यादा स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये राइट आंसर इसमें है ही नहीं, कांटा है, जब बेस्ट आंसर है ही नहीं। कुछ ये कह रहे हैं कि स्पेलिंग एरर है, दैट इज वाई ये कांटा है, उनको ग्रेस मिलने चाहिए, ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, तो ये भी पता चल जाएगा। बात ये है कि हम जो है
पार्शियल अप्रोच अपना रहे हैं, टोटल अप्रोच अडॉप्ट नहीं कर रहे। ये अगर हमने ये भी देखना है कि आप कह रहे हो राइट आंसर नहीं मिल रहा, अच्छा एनालिटिकल तो अगर सभी ने मान लिया कि एनालिटिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी सभी ने मान लिया, ये जो ब्लॉक मैंने लगा दिए हैं ये तो सभी के यहां पर से ठीक है, ये वाले ठीक है और ये वाले ठीक है और ये वाले ठीक है, ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, आप दोनों को गलत करोगे, ठीक है। अब बात फिर बच रही है कि जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर है इसमें बन रहा है क्रिटिकल, क्या स्टर्नबर्ग ने क्रिटिकल इंटेलिजेंस की बात की, नंबर दो क्रिटिकल इंटेलिजेंस या क्रिटिकल स्किल जब क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग मैंने बताया था कि आप किसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज ही करते हो कि उसके एविडेंस से कंपेयर करते हो, उसके साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है अपने एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हो, फिर देखते हो कि दिस इज राइट और रॉन्ग, इसमें क्रिएटिविटी तो है ही नहीं, आप ये देखते हो राइट और रॉन्ग, जब भी राइट और रॉन्ग देख रहे हो क्रिएटिविटी दिखाई नहीं दे रही, ठीक, तो दैट इज वाई ये तो गलत जा रहा है, ये पहले बात हो चुकी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि जो माइंड में है, इट मींस के माइंड में अगर आप न्यू प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्रिएटिविटी हो सकती है, अगर न्यू नहीं प्रोड्यूस कर रहे, किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर रहे हो क्रिएटिविटी नहीं है, न्यू प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्रिएटिविटी है और अदरवाइज नहीं है, इट मींस एब्स्ट्रैक्ट अकेला बोला गया है, ये क्वेश्चन मार्क पर आ गया। अब बचता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब है सिर्फ देखना, नोटिस करना, अच्छी तरह से डिटेल को नोटिस करना, ठीक है, वो एनालिसिस में काम आ सकती है, ठीक। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सिंथेसिस ही बचता था, यहां तक हम चले थे, अब इसके बाद सिंथेटिक उन्होंने टर्म यूज नहीं की, इसके एविडेंस हमने ढूंढा। अच्छा, हमने ब्लूम की टैक्सोनॉमी को भी देख लिया था, ये भी एक रीजन दिया था मैंने कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी को अगर हमने देखा है फॉर एग्जांपल कि ये सिंथेसिस है, यहां पर ये आप कह रहे हो कि सिंथेसिस है सिंथेटिक है, यहां पर लॉजिक आपका बिल्कुल ठीक है कि इतने एरर से, क्योंकि इंडिया में एमसीक्यू डालते में ऐसी एरर होती है, पर आप मुझे अच्छा लगेगा आप अगर आप सारी एरर आइडेंटिफाई करके सिस्टम को चैलेंज करो तो मजा है। अच्छा, यहां पर सिंथेटिक टीआईसी है, ठीक है, इसके कारण आपको ग्रेस मिलने चाहिए, ये आप कह रहे हो, दैट इज वाई टोटल आंसर क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये आप कह रहे हो, ठीक। तो लेकिन अगर जनरल अप्रोच के साथ ये देखें कि सिंथेसिस सिंथेटिक का मीनिंग सेम बनता है और इन्होंने जो शिफ्ट भी किया है जो 1956 से 2001 में जो इसको नाउन से वर्ब की और नई हायरार्की बनाई गई है जो सिंथेसिस को टॉप पर लगा ले जाकर क्रिएटिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि क्रिएटिविटी को हाईएस्ट प्लेस दी गई है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक, कॉग्निशन में, ये भी इससे पता चलता है, तो ये लॉजिक भी उसके फेवर में जा रहा था। लेकिन हमारे पास और लॉजिक कौन से हैं? अच्छा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी हो गई। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि स्टर्नबर्ग ने सिंथेटिक यूज नहीं किया, इसके भी प्रूफ जो है प्रमाण मिल गए हैं, एनालिटिकल वहां ये भी यूज किया है, प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्टुअल ये यूज किया है, जो आर्टिकल मैंने स्टडी किया है उसके आधार पर आपको भी बता रहा हूं, आर्टिकल भी आप देख सकते हो, ये रहा आपका आर्टिकल, ओके, क्रिएटिविटी रिसर्च जर्नल 2006 वॉल्यूम 18 और नंबर 1 पेज 87-97, ये जो नेचर ऑफ क्रिएटिविटी रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग इनकी बात ही कर रहे हैं। इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी इट एग्जिस्ट टुडे एमर्ज लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ पाइनियर एफर्ट ऑफ जेपी गिलफर्ड, फर्स्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो आई थी उसमें फर्स्ट टाइम डाइवर्जेंट थिंकिंग एड किया गया था एक फैक्टर गिलफर्ड ने, सो गिलफर्ड वॉज द फर्स्ट हु इंक्लूड डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी इन इंटेलिजेंस, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सेकेंड द फादर ऑफ क्रिएटिविटी ई पॉल टॉरेंस, आस्पेक्ट थ्योरी इन्वेस्टमेंट थ्योरी है इसका नाम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएटिविटी एज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टर्नबर्ग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसने आपके क्वेश्चन को राइट या रॉन्ग का फाइनल बना देना है।
ये रहा इंटेलेक्चुअल स्किल्स. थ्री इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. स्टर्नबर्ग, ठीक है, नाम आ गया. अब तो द सिंथेटिक, इसी की प्रॉब्लम थी हमें, तो अब तो ये मिल गया है सिंथेटिक. आगे भी समझ लेते हैं, नेक्स्ट के लिए काम आ जाएगा. वैसे भी हम समझ सकते हैं, लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. पीएसटी तक ही नहीं जीना सिर्फ, ठीक है. स्किल टू सी प्रॉब्लम इन ए न्यू वे, वही बात सिंथेसिस की जो थी वही इन्होंने की है, ठीक है. एंड टू एस्केप द बाउंड्स ऑफ कन्वेंशनल थिंकिंग, द पर्टिकुलर जो पहले से थिंकिंग चली आ रही है उसकी बाउंड्री को तोड़ना है, ठीक है, वहां से मुक्त होके नई तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सिंथेटिक है. तो ये क्रिएटिविटी की, इन्होंने ये बताया है कि क्रिएटिविटी में तीनों स्किल्स शामिल हैं या नहीं है, यही क्वेश्चन चल रहा है ना. तो बी पार्ट है एनालिटिकल, यहां अब एनालिटिक है, वहां उन्हें एनालिटिकल डाल दिया है. अब ये ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि एनालिटिक है इनकी थ्योरी में, एनालिटिकल तो है नहीं ये. अब हम बदल जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. स्किल रिकॉग्नाइजिंग विच ऑफ द वंस आइडिया आर वर्थ परसुइंग एंड विच आर नॉट, कौन सा आइडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं. आप एनालाइज करते हो, देखते हो यार ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. आप लड़के हो तो लड़की को देखते हो, कैसे देखते हो, एनालाइज करते हो, इसका ये अंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है. कमाल है यार, आज तक फीमेल को देखा तो ऐसे ही देखा, एनालाइज करके एज होल मिलेगा जो भी मिलेगा. एक लड़के को देखते हो तो उसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, एज होल लेना पड़ेगा. उसके बाद अगर कोई कमी जो चेंजेबल है, फिजिकल की बात नहीं अब कर रहा हूं, ठीक है, पहले तो हम फिजिकली देखते हैं. अगर चेंजेबल है, उनका ट्रेट में कमियां है उसको, जिससे लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, सॉरी काउंसलिंग शुरू हो गई, तो आप उसको चेंज करोगे ना, फिर उसको पहले जो है एज होल आपको परसीव करना पड़ेगा. तो ये एनालिसिस हो गया. द प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल स्किल नो हाउ द परसुएड अदर, हम दूसरों को कैसे मनाते हैं, मना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. टू सेल अदर पीपल ऑन, आप देखा है कोई मार्केटिंग करने आया किसी से, वो अपनी चीज बेच गया, अगर वो बेच गया अपनी चीज, आपने खरीदनी नहीं दी यार, मैंने खरीदनी है ये नहीं, देख लो उसने कुछ स्किल ऐसी अपनी प्रेजेंट ऐसे अच्छी तरीके से किया कि आपने खरीद ली, ठीक है, तो वो जो है एक बड़ी अच्छी बात याद आई. एक गाड़ी में मैं ट्रेन में सफर कर रहा था बड़ी भीड़ में, तो एक वो ना संतरे बेचने वाला कहता कि 10 रुपए के दो, 10 रुपए के, किसी एक नीडी ने ले लिए 10 रुपए के दो. अच्छा भीड़ इतनी ज्यादा थी वो मूव नहीं कर पा रहा था, तो उसने 5 मिनट के बाद कहा 10 रुपए के चार, 10 रुपए के चार. वो कहता अभी दो थे, कहते मैं दो लिए, कहता था 5 मिनट पहले थे अभी चार हो गए, 5 हमने और ले लिए. उसके बाद उन्होंने क्या किया, 5 मिनट बाद कहता 10 रुपए के छह, 10 रुपए के छह, और 6, 7, 8 जनों ने. आप देखो कि जब तक वो उसने 4 बार उसका रेट बढ़ाया और 10 रुपए के 8 भी दिए, वो जो पहले वाला था पछता रहा था, लेकिन पहले वाले को उसने, ये स्किल है, ठीक है, ये स्किल है. वापस चलते हैं. अब इंपॉर्टेंट है कि वो जो इंपॉर्टेंट क्या है, द कन्फिडेंशियल कन्फ्लुएंस ऑफ दीज थ्री स्किल्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट, सभी का साथ में होना जरूरी है. दैट यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे. एनालिटिकल स्किल यूज इन द एब्सेंस ऑफ अदर टू स्किल रिजल्ट इन पावरफुल क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपको यहां पर ऐसे समझाता हूं. वो कह रहे हैं कि जो अगर सिर्फ आपने सिंथेटिक सॉरी एनालिटिकल स्किल यूज की है, सिंथेटिक और प्रैक्टिकल नहीं यूज की, ठीक, तो वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बन जाएगी और क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव नहीं होती. आप देखना कि लाइफ स्किल्स जो WHO ने लिस्ट दी है, 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं, उसमें कॉग्निटिव डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन ही चल रही है ना सारी, कॉग्निटिव डोमेन में दो स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, अलग अलग रखा है क्योंकि अलग अलग चल रही है. क्रिटिकल जो है एनालाइज करके राइट आंसर तक पहुंचने की है, जो क्रिएटिव है वो एनालिसिस भी करेगी लेकिन न्यू आंसर तक पहुंचेगी, ठीक. तो कहते हैं अगर अकेली एनालिटिक को यूज करोगे तो भी वो क्रिएटिविटी नहीं है, अगर सिंथेटिक को यूज करोगे, हाँ उससे न्यू आइडिया पैदा होंगे
वो पैदा होंगे, लेकिन वो जो एनालिसिस और प्रैक्टिकल के यूज नहीं करोगे तो वो जो न्यू आइडियाज होंगे वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव नहीं होंगे, बेटर नहीं बनेंगे। अगर बेटर नहीं बनेंगे तो उनको वो जो है क्रिएटिविटी में शामिल नहीं करते, क्योंकि क्रिएटिविटी वो उसमें उस आइडिया को शामिल करते हैं जो आइडिया अल्टीमेटली आपकी मोर से मोर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व लाइफ की में करे। अगर आपके नए आइडिया बहुत है, काम के नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व लाइफ की नहीं हुई, तो वो क्रिएटिविटी में वो नहीं रख रहे। ऐसे ही अगर सिर्फ प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल थिंकिंग या स्किल को आप यूज कर रहे हैं, इसको नहीं यूज कर रहे, तो इट मींस आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस अच्छा प्रभावित कर सकते हो, चीज की प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है, आप मना लेते हो दूसरों को, तो आपके गुड आइडियाज बेशक ना हो, आइडियाज बैड ही हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो वो आपकी सोशल एक्सेप्टेंस हो जाएगी। जैसे एक कोई मार्केटिंग वाला बंदा चीज बेच गया, आप खरीदना नहीं चाहते थे, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, चीज बाद में बेशक बुरी ही निकली। दैट इज व्हाई गुड आइडिया की जगह बैड आइडिया या पूरा आइडिया भी बिक गया। ऐसे ही हो रहा है हमारे पीएसटेट में भी, ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि अच्छे टीचर हमने फाइंड आउट करने हैं, अच्छी टीचिंग सिस्टम करना है। तो आपके बच्चों को भी टीचर नहीं पढ़ाना ना, आप ही चाहते कि आपका जो बच्चे का टीचर वो अच्छा हो, तो वो सिलेक्ट अभी से हो रहे हैं ना, तो अभी तो तक तो घुन लग चुका है सिस्टम को। अब स्टर्नबर्ग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं सिंथेटिक प्लस एनालिटिकल प्लस प्रैक्टिकल तीनों के कॉम्बिनेशन से क्रिएटिविटी जड़ी है, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी उन्होंने डिफाइन की है। तो ये आपने देख लिया होगा खुद भी। आप जो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम डीप लर्निंग की तरफ तो जाते ही नहीं है। डीप लर्निंग इस क्वेश्चन ने कराई है, उस क्वेश्चन मेकर का थैंक यू, और इन्होंने जिन्होंने कमेंट किया उनका थैंक यू, और जिन्होंने सोचा उनका थैंक यू। हम सरफेस लर्नर बने हुए हैं, सरफेस लर्नर से अच्छा सिस्टम नहीं बनना, ये बात पक्की है। और पीएसटेट सरफेस से क्लियर होएगा, हो सकता है, क्योंकि लार्जली क्वेश्चन सरफेस लेवल के हैं, इनडेप्थ तो है नहीं। एक क्वेश्चन ये है, इसने इतनी एनर्जी हमारी लगाई, इतनी रीजनिंग लगाई, कितना मिलना है, एक मार्क्स मिलना है, ये कौन इन्वॉल्व, कौन लोग हैं, सिर्फ वो जो एज पर हैं, बॉर्डर पर, बाकी तो कोई नहीं सोचेगा। दैट इज वाई हमें डीप लर्नर बनना है और डीप टीचर बनना है, डीप लर्निंग वाले टीचर बनना है। ऐसा सिस्टम है, ऐसी अगर मैं कोचिंग देता हूँ, मेरे से आप जुड़ते हो, तो मैं ऐसे थोड़ी एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करूंगा। चलो वो तो नेक्स्ट टाइम है, लेकिन उससे सिलेबस कम होता है, ये भी बात नेगेटिवली रिलेटेड है एक दूसरे से। और अच्छा सिस्टम किससे बन सकता है, या और एक जरूर जो फ्ला क्वेश्चंस में, एमसीक्यू क्वेश्चन में ही टोटल फ्ला है, बेशक वो यूजीसी आईएएस लेवल के क्यों भी ना हो, हमेशा राइट आंसर ही ढूंढते हैं सभी। राइट आंसर ढूंढ लिया जी, राइट आंसर ढूंढना काफी नहीं है, क्योंकि रीजनिंग राइट जरूरी चाहिए। राइट आप ये देखना, कई बार हम रॉन्ग रीजनिंग से राइट आंसर, 150 में से हो सकता है आपने 30 क्वेश्चन रॉन्ग रीजनिंग से ढूंढ लिए हो। अगर रॉन्ग रीजनिंग से राइट आंसर तक पहुंचे हो, तो जिसने क्वेश्चन बनाया है वो इस कॉम को, इस एजुकेशन सिस्टम को, इस टीचर सिलेक्शन को डाउन ले जाने में उसका पूरा योगदान है। दूसरी बात, हम कॉन्फिडेंस हमारे में नहीं होता है, हम करके आ जाते हैं, हमें ये नहीं पता, हम श्योर नहीं होते। अभी तक इस क्वेश्चन के बारे में श्योर ही नहीं थी, अब हम श्योर हुए हैं जाके, ठीक है। क्या एक क्वेश्चन का आंसर चार में से एक को टिक लगाने देने के बाद किस किस बंदे को चुना जाना चाहिए पीएसटेट या टीचर सिलेक्शन टेस्ट में, जिसको पता है कि मैंने आंसर लगा दिया है यस, और वो कहता है कि यस 100% मेरा कॉन्फिडेंस होगा, और उसने राइट रीजनिंग अप्लाई की होगी, राइट रीजनिंग, राइट आंसर एंड 100% कॉन्फिडेंस। तो इसे थ्री टायर सिस्टम बोलते हैं। वैसे ये अगर मेरे ख्याल 30 क्वेश्चन ऐसे लगाए जाएं, तो मेरे ख्याल में इतना जंजाल डालने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में अगर इस पर, इस क्वेश्चन पर आपका कोई रिएक्शन हो, आप फिर से मेरे से बात कर सकते हो। अब हम कहां पर ऑब्जेक्शन लगा रहे थे, यहां पर सिंथेटिक गलत है, अब मेरे ख्याल में आप यहां शिफ्ट हो जाएंगे, एनालिटिकल गलत है, तो ये आपको डिसीजन लेना है। यहां भी सिंथेटिक है, इट मींस जो हम राइट रॉन्ग कह रहे थे वो राइट निकल रहा है, और जो राइट कह रहे थे वो रॉन्ग निकल रहा है। दूसरी बात है, ये इस ऑब्जेक्शन को सही माना जाएगा उनके पर्सपेक्टिव से या नहीं, ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता।
हाँ, जो जितना मेरा एनालिसिस था वो आपके सामने रख दी है। हो सकता है क्वेश्चन मेकर ने जल्दी जल्दी में कहीं सिंथेटिक पढ़ा था, सिंथेटिक लिख दिया, और टाइप करने वाले ने हो सकता है एनालिटिक की तरफ जगह पर एनालिटिकल कर दिया हो। हाँ, इसको आप मेजर एरर मानते हो, ये आप पर है, ये आप और सिस्टम पर है। मैं इस सिस्टम में नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं इस सिस्टम से भी सहमत नहीं हूँ जो सरफेस लेवल की लर्निंग से सिलेक्शन करते हैं। स्पेशल थैंक्स टू द पर्सन जिन्होंने कमेंट किया। ये कहाँ गए, ये रूबी सिंह जी। ठीक, तो मेरे ख्याल में अगर आपको उत्तर नहीं मिले हैं तो मुझे जरूर बताना। मुझे ये नॉन वर्ब आपका साइन नहीं पता चले, इनके भी मीनिंग बता देना। अगर कोई क्वेश्चन और हुआ तो आप जरूर पूछना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं इन डेप्थ स्टडी करके आपको कोई आंसर दूं। अगर पीएस टेट या सी टेट या कोई और क्वेश्चन आपके पास है जिसका आंसर नहीं मिल रहा, तो मैं कोशिश करूंगा। आप मुझे भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।